हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं TCS NQT नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी स्टूडेंट्स TCS NQT के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं क्या भैया इसमें 2024 बैच वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को साफ साफ बता देता हूँ, इस नेक्स्ट स्टेप हायरिंग में, TCS NQT हायरिंग में ओनली 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपके काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स है कि भैया क्या रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, क्या भैया ये TCS NQT और नेक्स्ट स्टेप के रजिस्ट्रेशन सेम है। सो सारी की सारी चीजें, आपकी जितने भी डाउट्स है वे क्लियर हो जाएंगे एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फिलिंग, वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को करके दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी बहुत टॉप नॉच लेवल कंटेंट आने वाला है। अभी कंप्लीट TCS NQT प्लेलिस्ट आने वाली है, मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया, TCS फ्री NQT प्लेलिस्ट जल्दी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही प्लेलिस्ट आएगी, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, आप सभी स्टूडेंट्स तक तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप करोगे स्वादी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो एंड तक देखना, तभी आप सभी चीजें, जितने भी डिटेलिंग है, जितने भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है, वो आप समझ पाओगे। सो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, सबसे पहले हम बात करने वाले NQT रजिस्ट्रेशन, क्या भैया NQT रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ NQT रजिस्ट्रेशन के बारे में। NQT रजिस्ट्रेशन, अब कोई यूट्यूबर आपको बोलेगा कि 29th मार्च को रजिस्ट्रेशन ओपन होगे या 28th मार्च को होगे या इस डेट में होगे। सो अभी कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन TCS की तरफ से नहीं आई है। सो अगर आपको कोई भी कुछ भी बता रहा है, सो वो सिर्फ उनका एक अंदाजा है, ठीक है। अभी कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट चांसेस है कि मार्च के मिड ऑफ मार्च और स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल के बीच में आप लोग के रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। सो भैया फिर आप वीडियो किस चीज के बना रहे हो, फिर ये किस चीज का रजिस्ट्रेशन है। सो गाइज, ये TCS NQT के लिए ही रजिस्ट्रेशन है, नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। सो जब भी आप TCS NQT एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, सो आपको नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑलरेडी आपके कॉलेजेस में बता दिया होगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है एंड जैसे आप नेक्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे आपको एक CTDT ID मिल जाएगी, एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी, जिस आईडी को आप लॉगिन करके फिर बाद में जब भी आपकी हायरिंग स्टार्ट होगी, जब भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, आपका सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस रह जाएगा। वहां पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ड्राइव एंड उस पर आपको यस करना होगा, सो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है TCS नेक्स्ट स्टेप का, सो जितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया है अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। सो यहाँ पे अभी मैं आपको प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ, बट सबसे पहले अगर आप लोगों ने अब तक CT और DT ID नहीं बनाई है, मतलब अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है TCS नेक्स्ट स्टेप, इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल डालनी है एंड अगर आपने कोई ऐसी ईमेल है जिसमें पहले से ऑलरेडी रजिस्टर किया है, सो आप वो वाली ईमेल नहीं डाल सकते हो। सो यहाँ पे आपको एक न्यूली ईमेल डालनी है एंड प्रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट कॉलेज की ईमेल आईडी मत यूज करना क्योंकि अब आप पास आउट हो जाओगे। सो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी कुछ टाइम बाद आपकी, जैसे आप पास आउट हो जाते हो, सो जो आपकी कॉलेज की आईडी होती है, जो कॉलेज की ईमेल होती है, वो बंद हो जाती है। सो अगर TCS को कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सो वो कैसे देगी। दैट्स व्हाई आप लोग को हाईली रिकमेंड एंड आपका कॉलेज भी आपको रिकमेंड करेगा कि आपको पर्सनल ईमेल मेंशन करनी है। रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल ईमेल ही आपको वहां पे पुट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका OTP आएगा, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा, लास्ट की 4 डिजिट आपको मेंशन करनी है। देन आफ्टर दिस आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, आई एग्री टू नेक्स्ट स्टेप, प्राइवेसी नोटिस, देन उसके बाद प्रोसीड पे जाना है। जैसे आप प्रोसीड पे जाओगे, ठीक है, आप लोगों का फाइनल थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेटिंग, प्लीज नोट योर रेफरेंस आईडी। अब इस रेफरेंस आईडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कंप्लीट प्रोसेस के अंदर, कंप्लीट TCS NQT एग्जाम के अंदर। ये DT ID, ये रेफरेंस आईडी, इसको हम CT और DT ID भी बोलते हैं,
ये आपके काम आने वाली है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सीटी और डीटी आईडी अपना कहीं पे भी सेव कर लेना एंड कंटिन्यू कर देना है। अब उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपका फॉर्म होगा वो कैसे फिल करना है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं कि कैसे आप सभी स्टूडेंट्स टीसीएस एनक्यूटी स्टेप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आप लोग को ओपन करनी है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ। एंड जो मैंने आपको बताया था सीटी डीटी आईडी आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, अब आप लोग को लॉगिन करना है, अभी आपको फॉर्म फिल करना है। सो यहाँ पे आप ईमेल और रेफरेंस आईडी, या तो आप अपनी ईमेल जिस ईमेल आईडी से आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी मेंशन करो, या फिर आप रेफरेंस आईडी जो सीटी डीटी आईडी अभी आपने बनाई है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है एंड नेक्स्ट पे जाना है। आप लोग के पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप फिल करोगे सो आप डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके नाम पे आ जाएगा वेलकम अमन अग्रवाल जो भी आपका नेम है, डीटी आपके सीटी और डीटी और रेफरेंस आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा वीडियो एंड तक देखना, जब भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे, यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर लोगे एंड यहाँ पे अभी आपको रेज्यूमे अपलोड करना होगा। बट सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा सबसे पहले देखो, काफी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे रिव्यू करे हैं मैंने एंड काफी स्टूडेंट्स के रेज्यूमे के अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स मिलती है। सो आप लोग को डायरेक्टली अपना रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा टॉमेट का, आपको टॉमेट पे जाना है, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में रेज्यूमे रिव्यू पहले करा लेना। सबसे पहले अपना काम ये रखना, रेज्यूमे रिव्यू आपको कराना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप रेज्यूमे रिव्यू में आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में आप अपना रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, आप किसी भी एक्सपर्ट से कनेक्ट होके उससे रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, बिल्कुल फ्रीली आपका रेज्यूमे रिव्यू हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आपकी यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपन किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 एट मास्टर कार्ड प्रीवियस असेंचर, यहाँ पे आप डिस्कवरी कॉल पे जा सकते हो, बिल्कुल फ्रीली आप रेज्यूमे रिव्यू करा लोगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है, जस्ट अपना स्लॉट बुक करना है। अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना टाइम एंड यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी, आपको जाना है कन्फर्म डिटेल्स पे जाना है, बिल्कुल फ्री में आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। डायरेक्टली रेज्यूमे अपना अपलोड मत करना, पहले अपना रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के अंदर यही प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्टली अपलोड कर देते हो। देखो रेज्यूमे के अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है जो हमें नहीं पता होती है एंड काफी बार आपने देखा होगा कि हम हायरिंग्स में अप्लाई करते हैं एंड जैसे हम वहां पे रेज्यूमे अपलोड करते हैं सो वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आती है, कुछ टाइम बाद आपके कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग भेजता है बट वहां पे सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स का नाम आता है। सो वो डिपेंड करता है आपके रेज्यूमे पे, सो प्लीज रेज्यूमे रिव्यू करा लेना। अब यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आपको आपके भैया की प्रोफाइल मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपने भैया की प्रोफाइल पे आ सकते हो अमन अग्रवाल, आपको ओपन करना है। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी TCS Free NQT 2025-149 में आप 1-to-1 मीट कर सकते हो, सारे के सारे गाइडेंस ले सकते हो, प्रिपरेशन गाइडेंस ले सकते हो कि भैया कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, चाहे वो टॉपिक्स हो कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज किया, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सो सारी गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। पहले रेज्यूमे रिव्यू आप सभी स्टूडेंट्स को कराना ही कराना है, उसके बाद आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। सो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है, यहाँ पे नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस अपना यहाँ पे फिल कर लेना, क्लिक हियर टू सेलेक्ट लोकेशन ऑफ नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस। सो जो भी आपके पास होगा, जो भी आपके नियरेस्ट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद क्लोज कर देना। अब बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स, नेम, फादर नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस। अब यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा देखो, जो आपका होम टाउन का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, एंड अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप दूसरे कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो एंड आप पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, सो वो प्रेजेंट एड्रेस होगा, सो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको अपने होम टाउन का एड्रेस फिल करना है, होम टाउन की लोकेशन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, एरिया, देन आफ्टर दिस यू हैव टू फिल प्रेजेंट एड्रेस। अभी आपकी करंट लोकेशन कहाँ है, या तो आप हॉस्टल में रह रहे होगे या फिर आप पीजी में रह रहे होगे, सो वो आपको यहाँ पे हाउस नंबर, वो आपको रोड, कंट्री, सिटी, एरिया, स्टेट, पिन कोड। आफ्टर दिस
कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करने की नीड नहीं है, स्टार नहीं है यहाँ पे, मैंडेटरी नहीं है। आफ्टर दिस यू हैव टू फिल योर मोबाइल फोन नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल फोन नंबर फिल करना है एंड आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। सो आपका पर्सनल डिटेल्स का कॉलम कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब आपको फिल करना है अकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी, ग्रेजुएट, 12th, 10th, एनी अदर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे आप एक बार पढ़ सकते हो, मार्क्स सीजीपी ऑब्टेंड डिनोट्स टोटल मार्क्स बाय सीजीपी सिक्योर्ड, मतलब आपके टॉप 5, टॉप 4 सब्जेक्ट नहीं गिने जाएंगे, जितने आपके टोटल मार्क्स है वो आपके काउंट होंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपको ग्रेजुएट के मार्क्स फिल करने हैं, आपका क्या कोर्स था, कितनी ड्यूरेशन थी, इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजेशन, अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है, ग्रेडिंग सिस्टम था या फिर आपका मार्क सिस्टम था। देन आफ्टर दिस आपको अपने 12th के ग्रेड यहाँ पे फिल करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप 12th के ग्रेड पे जाओगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कोर्स ड्यूरेशन, प्लीज मेंशन ओनली योर 12th ड्यूरेशन इन योर 12th ग्रेड, ठीक है, कोर्स टाइप फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, सीजीपी और मार्क्स। आफ्टर दिस 10th की आपको डिटेलिंग फिल करनी है। जब भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, जब आप ये फॉर्म फिल करोगे, 10th की मार्क्सशीट, 12th की मार्क्सशीट एंड ग्रेजुएट के मार्क्स साथ में लेकर बैठना, सारी जितने भी डिटेलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कोर्स ड्यूरेशन, आपका सीजीपीए सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम था, एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों ने कोई और कोर्स किया है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने, जितने स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप किया है, सो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आफ्टर दिस डिक्लेरेशन, ठीक है, यहाँ पे आप अपने डिक्लेरेशन फिल कर देना, उसके बाद आपको जाना है अदर डिटेल्स पे। जैसे आप अदर डिटेल्स पे जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, सबसे पहले आपको नेशनलिटी, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, एड न्यूरो करके आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद अगर सर्टिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पे बताना है। आफ्टर दिस अचीवमेंट्स, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है। उसके बाद अपलोड फोटो एंड सीवी, ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं सभी स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा हूँ, जब आप अपना सीवी अपलोड करोगे, डायरेक्टली अपना सीवी अपलोड मत करना, सबसे पहले किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी इंजीनियर से रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, एंड जो जो चीज़ें वो आपको एडिशनल बताएंगे, अगर आपके रेज्यूमे में कुछ मिस्टेक्स हैं, सो उनको चेंजेस करके तब जाके आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड कर देना, ठीक है, उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू पे, एंड यहाँ पे आपको ये फिल करके, यहाँ पे डिक्लेरेशन यस, एंड आफ्टर दिस आई एग्री, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप ये सबमिट के बटन पे जाओगे, सो आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया, जो हमारा TCS NQT का रजिस्ट्रेशन आएगा, उसमें हमें क्या करना होगा। सो अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने इतना काम कर लिया, अगर आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करके सबमिट कर दिया, अब आपका सिर्फ एक मिनट का काम रह जाएगा। जैसे ही आपके TCS NQT के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, मैं वीडियो बना दूंगा एंड आपको बता दूंगा। अब उसमें होगा क्या, अब आपका जैसे आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, सिर्फ एक यहाँ पे पॉपअप आएगा, जब आप अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन करोगे, वुड यू अप्लाई फॉर ड्राइव, अप्लाई फॉर ड्राइव पे आपको यस करना है, एंड आपको अपना टेस्ट का सेंटर, जो जिस भी एग्जाम देने जाओगे आप TCS का, जो आपका टेस्ट सेंटर रहने वाला है, सो अपने नियरेस्ट टेस्ट सेंटर आपको वहाँ पे फिल करना है, एंड दैट्स डन। सो आपका कंप्लीट TCS NQT का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो अभी के लिए आपको यहाँ तक फिल करना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही TCS NQT के रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अभी TCS फ्री NQT प्लेलिस्ट भी आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच जाएगी। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।